जांच रिपोर्ट में यही आया है कि श्री महेश राम, जिनका कि परसों उन्होंने आत्महत्या कर ली है, उसमें ये कहा गया कि उन्होंने भूख से परेशान होकर लॉकडाउन के कारण आत्महत्या कर ली है। इसकी हम लोगों ने जांच कराई एसडीओ और एसडीपीओ से। उन्होंने जो साक्ष्य और सबूत हमारे पास समर्पित किए हैं उससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने भूख के चलते आत्महत्या नहीं की है। यथा वो अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं और उन्हें लगातार हर एक महीने 35 किलो चावल और गेहूं मिलाकर दिया जाता है। 24 मार्च को भी उन्हें खाद्यान्न दिया गया था और उसके विगत महीनों में भी दिया गया है। साथ ही साथ उनकी पत्नी के खाते में 12,772.90 रुपया आज की तारीख में बैलेंस भी बचा हुआ है। अतः यह कहना कि वो भूख से परेशान होकर आत्महत्या कर लिए हैं, ये कहीं से भी प्रमाणित नहीं होता है। अतः मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। पुलिस तो वो पुलिस जांच का विषय है। पुलिस देखेगी कि परिवार में किससे झगड़ा हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये पुलिस जांच का विषय है। जिस तरह से वहाँ के वार्ड कमिश्नर प्रतिनिधि ने मीडिया के सामने आके बोला था कि आर्थिक तंगी से कार्रवाई होगी उस पर, तो वो कुछ प्रमाण दें। आर्थिक तंगी अब इस तरह से तो हम लोग कार्रवाई के लिए पीछे पीछे नहीं घूमते फिरेंगे। जिन्होंने खबर प्रसारित किया उन्हें भी चाहिए था सत्यापित करके बाद ही प्रसारित करना। अब कोई कुछ बोल दिया तो उसे प्रसारित कर दिया गया, ये भी उचित नहीं है। परिजन भी इस बात को स्वीकार किया कि परिजन ने यह भी स्वीकार किया है कि घर में पारिवारिक कलह हुआ था। तो दोनों पक्ष को देना चाहिए था, अगर दिया गया तो दोनों पक्ष को भी, इस पक्ष को भी शामिल कर किया जाना चाहिए था। और सर कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है सर? कोरोना को लेकर सर आप लोग जान रहे हैं कि हमारे ज़िले में एक पॉजिटिव मरीज पाया गया था, वो NMCH में भर्ती हुए और वो स्वस्थ होकर वहाँ से लौट गए। आज की तारीख में कोरोना का कोई भी एक्टिव मरीज हमारे ज़िले में नहीं है। हम लोगों ने एहतियातन हम लोगों ने 68 सैम्पलिंग किया है, उसमें 47 का रिपोर्ट आ गया है जो सभी निगेटिव हैं। 21 आदमी का रिजल्ट अभी अवेटेड है जो कल हम लोगों ने भेजा है जांच में। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है। और जो भी व्यक्ति बाहर से आए हैं उन पर नज़र बना के रखी जा रही है, उनका नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है और जहाँ से कहीं कुछ सूचना मिलती है, किसी में कुछ भी लक्षण पाया जाता है, उसकी सैम्पलिंग हम लोग तुरंत कर लेते हैं। टाल इलाके में सर, झारखंड के मजदूर फंसे हैं सर, काफ़ी परेशान। हमारे पास तो कोई मजदूर नहीं आए हैं कहने के लिए कि हम फंसे हुए हैं, हमको खाना दीजिए। हमारे पास तो किसी ने नहीं कहा है, हमें जो जानकारी मिली है मजदूर आज भी काम कर रहे हैं खेतों में। जब भी फसल की कटाई के बाद, अब बाद की बात बाद में देखेंगे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। सारे मजदूर इंगेज हैं अभी, अभी आज की तारीख में ऐसा कोई मजदूर हमको नहीं मिला है जो कहे कि हमको, हम बेरोजगार हो गए हैं, खाना दीजिए। अभी जो खाद्य सुरक्षा योजना है उसमें राशन का उठाव हो रहा है और वो डीलरों के यहाँ पहुँचाया जा रहा है। लगभग 50% के पास सामान पहुँच गया है और उन्होंने वितरण भी शुरू कर दिया है। बैंकों में लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हम लोग को आ रहा है, ये बात सत्य है। हम लोग प्रयास में हैं लोगों को समझा के, क्योंकि अब बैंक की शाखाएं इतनी है और CSP संचालक इतने हैं कि हर जगह पुलिस फोर्स भेज दिया सकती है। तो हम लोगों ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से लोगों से खबर भिजवाई है कि भाई आप लोग दूर दूर हटके रहें। हम लोग भी जहां कहीं भी जाते हैं तो लोगों को समझाते हैं और कुछ डिस्टेंस मेंटेन कराते हैं। सुबह में सब्ज़ी मार्केट में भीड़ रहती है, ये बात सही है। तो उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्थाएँ की है कि बरहिया में सब्ज़ी मार्केट था उसको हम लोगों ने बरहिया के हाई स्कूल में शिफ्ट करवा दिया है। शहर का जो सब्जी मार्केट है उसको आज सूचना मिली है कि KRK हाई स्कूल के मैदान में शिफ्ट कराया गया है। तो प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि उसका भी अनुपालन हो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे।